बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ से भी PCMB पर मिल रहे हैं अपने क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर डे न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे चैनल से अपडेट रहें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अबाउट में डिस्कस कर रहे थे और हमने उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारी बातें कर ली थी, जस्ट रिलेटेड लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में है क्या और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने टाइप के लिगेंड्स हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमने आपका डिस्कशन किया था। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस के बारे में बात की थी और फिर हम लोग अब जो बात कर रहे हैं डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस के बाद, फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे बात की थी, फिर लिगेंड्स पे बात की थी, सेंटर मेटल एटम पे बात की थी और आज हम लोग नए सेकंड लेक्चर में जो है लिगेंड्स और उसके टाइप पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिगेंड्स मैंने कहा था जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो लिगेंड्स होती है। तो ligands is a species that is capable of donating an electron pair to the central metal atom or metal ion. जो species electron pair donate करने में capable होती है, उस metal atom को, उस ion को हम लोग ligands बोलते हैं। It is a Lewis base. Ligands attach to central atom or ion through coordinate bond. जो ligands होते हैं वो सेंट्रल एटम और आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, कितने पार्ट में किया जाता है, इसी चीज पे हम लोग लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। तो लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मैंने आपको बताया था एक चार्जेस के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग। लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि लिगेंड्स कितने टाइप से होते हैं, कितने टाइप से इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले डेंसिटी के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अलावा चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक, तो क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इट डोनेट्स टू सेंट्रल एंड मेटल आयन एज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज दे बियर ऑन, यानी कितने पेयर को डोनेट कर सकता है इस पे डिपेंड करता है और उस पे कितने चार्ज हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे लिगेंड्स की बात है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, कि वो कितने पेयर डोनेट करेगा इस पे डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहले इसने बात की मोनोडेंडेट लिगेंड, मोनो मींस होता है सिंगल, यानी जो एक लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग मोनोडेंडेट लिगेंड बोलते हैं। मोनोडेंडेट लिगेंड डोनेट वन लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर एग्जांपल NH3, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। PH3, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। हाइड्रोजन वाटर, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर होते हैं, लेकिन वन एटम वन टाइम में एक ही पेयर डोनेट करता है। Cl नेगेटिव साइनाइड आयन, ये भी सिंगल लोन पेयर डोनेट कर रहा है। N ट्रिपल माइनस, ये भी एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। OH माइनस, ये सब के सब सिंगल सिंगल लोन पेयर डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास पता है कि ये एक ये पेयर है, एक इधर रहता है। ठीक, तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, एक तरह से लिगेंड्स है, एज ए लिगेंड एक्ट करता है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। बाईडेंटेट लिगेंड, अब बाईडेंटेट लिगेंड्स को कुछ वर्ड्स में हम लोग डाई डेंटेट लिगेंड्स भी बोलते हैं, डाई डेंटेट लिगेंड भी हम लोग बोलते हैं, डाई डेंटेट
लिगेंड्स भी हम लोग बोलते हैं, यानी दे पजेस टू डोनर एटम्स एंड कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो दो डोनर एटम पजेस करता है और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसको हम लोग बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सिलेट आयन, ये हमारा ऑक्सिलेट आयन है C2O4 डबल माइनस ऑक्सिलेट आयन, ठीक। इथेन 1.2 डायम आयन या इथाइलिन 1.2 डायम, ये डाइमिथाइल ग्लायोऑक्सी मेटो यानी DMG, जो मोस्ट ऑफ द यूज होने वाले वो या तो ऑक्सिलेट है और या तो फिर EN है। यही दो लिगेंड्स हैं बाइडेंटेड जो नॉर्मली ज्यादातर कंपाउंड्स में ये लोग यूज होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो ये हमारे पास मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स की बात है। आगे आ जाइए ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड पे। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब जो भी लिगेंड्स 3 लोन पेयर एटम डोनेट करें, 3 लोन पेयर, जो 3 लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको हम लोग ट्राइडेंटेड बोलते हैं। दे पजेस 3 डोनर एटम्स एंड कैन फॉर्म 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम और आयन, जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे डाइथाइलिन ट्राइएमाइन। तो ये आपका NH2 है, ये NH2 है और ये NH है, ठीक। तो ये आपके पास कितने बना रहा है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये हमारा डाइथाइलिन ट्राइएमाइन। आगे है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का मतलब जो 4 डोनर एटम जो पजेस करता है, जो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग टेट्राडेंटेट बोलते हैं, जैसे ट्राइथाइलिन टेट्राएमाइन। तो एक ये NH2, ये और ये 4 प्लेसेस हैं जहां से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इसको हम लोग टेट्राडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ट्राइथाइलिन टेट्राएमाइन। ये हमारे पास ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड्स है। आगे है पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटा मतलब 5। तो जो भी लिगेंड्स 5 लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको हम लोग पेंटाडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, यानी दे कंटेन 5 डोनर एटम्स। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसीटेट आयन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो -3, ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो EDTA-3। तो ये आपका pentadentate ligands है। आगे है hexadentate ligands, they have 6 donor atoms। कितना है, 6 donor atoms, जैसे 6 donor atoms। तो ये देखिए, ये ethylene है, 2 N लगे हैं तो diamine है, और 4 acetate आयन, ठीक। तो ethylene diamine tetraacetate आयन, ethylene diamine टेट्रा एसीटेट आयन EDTA-4, ठीक। ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है। तो आई होप आपको समझ में ये चीज आ गई होगी कि जितने लोन पेयर जो एटम डोनेट करता है वही उसकी डेंटिसिटी होती है और उसी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक। ये आपके डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक। अब इसके आगे, तो ये डेंटिसिटी के, अब हम लोग बात करेंगे चार्जेस के अकॉर्डिंग कि भाई चार्जेस के अकॉर्डिंग लिगेंड्स कितने टाइप से होते हैं। तो चार्जेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास चार्जेस के अकॉर्डिंग लिगेंड्स होते हैं 3 टाइप के। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। और जैसे नो दे कंटेन नो चार्ज, जैसे H2O, H2O हमारे पास एक्वा है, एक्वा H2O है, यहाँ पे वाटर है, तो ये अगर देखें हम लोग तो इस पे कोई चार्ज नहीं है और ये इसके पास दो लोन पेयर होते हैं,
तो ये एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये हमारे पास एक्वा है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स है, NH3 की भी यही कहानी है, अमीन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, C5H5 एंड पिरिडीन। तो ये सब के सब हमारे कौन से लिगेंड्स हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। और EN ये भी हमारा कौन सा है? न्यूट्रल लिगेंड्स है। अगला है एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड क्या होते हैं? जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जो लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उसको हम लोग एनायनिक लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, CnOH माइनस, ये सब के सब हमारे कौन से? नेगेटिव लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स। इनके अलावा और भी होते हैं। अब एनायनिक लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो SO4 डबल माइनस, CO3 डबल माइनस, C2O4 डबल माइनस, है ना, O डबल माइनस, S डबल माइनस। तो ये हमारे पास कौन से हैं? एनायनिक लिगेंड्स हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब आता है कैटायनिक लिगेंड। सबसे कम अगर देखा जाए नंबर ऑफ कैटायनिक लिगेंड्स सबसे कम होते हैं। जैसे ये NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, NO प्लस आयन, नाइट्रोसोनियम NO प्लस आयन होता है। हाइड्रोजेनियम NH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस, हाइड्रोजेनियम, ठीक, तो ये हाइड्रोजेनियम होता है। NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, ये आपका नाइट्रोनियम आयन है NO2 प्लस। तो मेन आपका नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम, ये दो लिगेंड्स होते हैं। अब आपसे जैसे मैं कह दूं कि क्या NH4 प्लस ये अमोनियम है, तो ये क्या अमोनियम आयन क्या लिगेंड्स की तरह काम करेगा? बोलिए। तो नहीं, अमोनियम आयन लिगेंड्स की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि अमोनियम आयन में N के पास लोन पेयर नहीं होते, क्योंकि तीन तो ये बॉन्ड बन गए और चौथा इसने क्या कर लिया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो नो लोन पेयर। नो लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं होते। और जब इसके पास लोन पेयर नहीं होते, इसीलिए ये एज ए लिगेंड एक्ट नहीं करता, ठीक। तो ये चार्जेस के अकॉर्डिंग हमारे टाइप ऑफ लिगेंड्स थे, इतने टाइप के लिगेंड्स होते हैं। अब और देखिए, और भी कुछ टाइप के लिगेंड्स हैं। जैसे हमारे पास आता है एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक। अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बी मींस होता है, जैसे अभी आप आगे और पढ़ोगे, एम्बीडेंट लिगेंड जिसमें दो साइड से डोनर एटम होते हैं, वो दोनों साइड से अटैच हो सकते। तो the monodentate ligands which can coordinate with the central atom through more than one site, एक से ज़्यादा साइट से ligand से अटैच हो सकता है, ऐसे ligands को हम लोग embedded ligand बोलते हैं। अब जैसे ये, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और N के पास तो है ही, ठीक। तो अब इसी तरह से ये ऑक्सीजन से भी, तो ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन से, दोनों साइड से। उसी टाइप से CN- ये आपका साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन। इसी जगह पे आइसोसाइनाइड, तो अगर अटैचमेंट एन साइड से हो रहा है तो आइसोसाइनाइड है,
और CN से हो रहा है तो साइनाइड है। एक दो एग्जांपल हो, SCN, ये थायो साइनेटो, और NCS आइसो थायो साइनेटो। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे तुम्हारे पास एम्बिडेंट लिगेंड है जितने भी है। तो ऐसे लिगेंड्स एम्बिडेंट लिगेंड कहलाते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, ठीक, एम्बिडेंट लिगेंड कहलाते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं। तो दो डोनर एटम वाले जितने भी लिगेंड्स होंगे सब के सब एम्बिडेंट लिगेंड्स ही बोले जाएंगे, कहलाएंगे, ठीक। अब कुछ और नया, अब जैसे किलेशन, किलेशन किलेशन बोल दो या किलेट लिगेंड बोल दो, किलेट लिगेंड ये भी कह सकते हो, ठीक। ये क्या होता है, तो मेटल के साथ रिंग स्ट्रक्चर जो बना ले, जो मेटल के साथ रिंग स्ट्रक्चर बना ले वही आपका चिलेट लिगेंड्स होता है। अब जैसे CO, आपके पास चिलेट लिगेंड्स की तरह काम कौन कौन कर सकता है, तो C2O4 डबल माइनस, मोस्टली यही होते, तो EDTA भी हैं, ठीक, ट्राईईएन, डाईईएन, ये सब है, मतलब डाई के डाइडेंटेड लिगेंड्स के बाद जितने भी है सब आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केस में यही यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं, कैसे ये रिंग बनाते हैं और देखते हैं जरा। जैसे आपके पास आया COEN का होल ट्वाइस, COEN का होल ट्वाइस Cl2, बाहर Cl है। तो EN मतलब क्या है, EN मतलब है CH2 NH2। मेरे बच्चों देख के ही लग रहा होगा क्या ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकता मेटल एटम के साथ, देखो जरा कैसे बनाता है। CO सपोज करिए ये आपका Cl है, ठीक, NH2 CH2, ध्यान से देखिए क्या ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो देखिए अब आप कहोगे कि सर आपने NH2 से, तो N से चूंकि डोनेशन किससे होगा, N के लोन पेयर का होगा, इसलिए अटैचमेंट भी आपको N से दिखाना पड़ेगा, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक। ये बाहर Cl लगा था, तो अगर Cl हटा भी दोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। अब ये आप क्या देख रहे हो कि रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी रिंग स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग इनको चिलेट लिगेंड बनाते बताते हैं कि जितने भी लिगेंड्स जो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं,
तो उन सारे के सारे लिगेंड्स को हम लोग चिलेट लिगेंड या किलेशन बोलते हैं, इस फेनोमेनन को किलेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास चिलेट लिगेंड हो गए, एम्बिडेंट लिगेंड हो गए। अब आते हैं हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है? तो अगर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, होमो मींस क्या हुआ? सेम। ठीक, तो जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम टाइप के लिगेंड्स होते हैं, उनको होमोलेप्टिक लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे आपके पास ये CrNH3 का होल 6, सेम काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। क्रैब कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल एटम और आयंस इज बॉन्डेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, जो सिर्फ एक टाइप के लिगेंड से अटैच होते हैं, उसको हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लाइक NH3, यहाँ पे NH3 है, 6NH3 है, ये लिगेंड्स है। ठीक, ये NH3 है, लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है। ठीक, ये लिगेंड्स है। तो जब सेम टाइप के, सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, CuNH3 का होल 4, SO4, डिफरेंट टाइप, ये भी देखिए सेम टाइप का है, CoEn का होल 3, CL3, सेम टाइप का लिगेंड्स है। ठीक, इसी टाइप से, ये सेम टाइप के लिगेंड्स, CrOx होल 3, OX, सेम टाइप के लिगेंड्स। इस कंडीशन में ये भी लिगेंड्स हैं। तो जब सेम टाइप के लिगेंड्स हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक ही सिर्फ है तो 4, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हैं, लेकिन है वो सेम टाइप, तो ये होमोलेप्टिक लिगेंड्स, हेट्रोलेप्टिक, सॉरी, हेट्रोलेप्टिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल और आयन इज बॉन्डेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स are known as heteroleptic complex। जब different type के ligands present होते हैं किसी भी central atom में, किसी भी coordination या complex compound में, तो उसको कहा जाता है heteroleptic complex। जैसे यहाँ पे En and Br both are ligands। ये दोनों ligands En भी है और Br। ठीक, तो ये दोनों टाइप के लिगेंड्स हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसी टाइप से इसमें देखिए NH3, Cl, मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहा जाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी जब सेंट्रल एटम जो भी बॉन्डेड होगी एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स से बॉन्डेड होगी, तब उसको कहा जाएगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आई होप हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे ये लिगेंड्स की बात, अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है?
कोऑर्डिनेशन नंबर मींस होता है कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उन नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, ये भी तो कहना चाहता है कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्मड विद द सेंट्रल एटम और आयन बाय द लिगेंड्स, और इन अदर वर्ड्स द टोटल number of ligands attached to a central ion which is called coordination number of that ion, yani jitne number of ligands hote hain wahi uska coordination number hota hai। theek, example mein jaise HCl ka whole twice to iska coordination number 2 ho gaya, yahan pe 3n3 3cl hai to iska coordination number 6 ho gaya, c2o4 ye bidentity ligands hai to 6 ho gaya, aur example mein aur thoda likhte hain cu NS3 का होल SO4, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने 4। अब जब 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक, इसके बाद ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो गई, K4 FeCl का होल 6, K4 FeCl का होल 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? बहुत आसान है जानना, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल, CO En का होल 3 En क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक, है En कितने? 3। 3 × 2 = 6 कोऑर्डिनेशन। समझे? ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं कि बाइडेंटेट लिगेंड्स है तो उसमें आपको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो तो दो साइड से अटैच होगा ना, ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड आया हमारे पास COEN का होल ट्वाइस Cl2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो आपको पता है En कैसा है? बाई डेंटेट। ठीक, और ये मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट को यूनिडेंटेट भी बोलते हैं। ठीक, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 तो 4 + 2 = 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6 आया। यही कोऑर्डिनेशन नंबर है। भाई बाइडेंटेट लिगेंड्स है तो आपको तो दो कंसीडर करना पड़ेगा ना, एक बाइडेंटेट लिगेंड्स में दो लोन पेयर होंगे तो कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, Cr OX whole twice, इसके बाद SO4 whole twice, SO4 की जगह पे K3 ले लेते हैं। अब देखिए यहां भी OX जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड्स है और नाइट्रेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो जब बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात आई
ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना आ गया? यहां भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो, ठीक, भूलिएगा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की, ये हम आपको निकालना सिखाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम डोनेट करती है, जितने उस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कोई भी चार्ज होगा उस पे सेंट्रल मेटल वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक। लिख सकते हो, कह सकते हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। अब जीरो किसकी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है? जीरो ऑक्सीडेशन नंबर NH3, H2O, CO, En, CH3, NH2, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? जीरो। -1 Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, HCN माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, ठीक। कि माइनस चार्ज जिस पे भी लगा सबकी ऑक्सीडेशन नंबर Cl माइनस, NC माइनस, NO2 माइनस, CH3, COO माइनस, etc. -2 किसकी किसकी होती है? SO4 डबल माइनस, C2O4 डबल माइनस, CO3 डबल माइनस, S डबल माइनस, O डबल माइनस, etc. इसी टाइप से +1 के H+ हो गया, Na+ हो गया, K+ हो गया, Li+ हो गया, Ag+ हो गया, NH4+ हो गया, +2 Zn हो गया, Ca हो गया, Mg हो गया। जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं तो इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर ये होते हैं। अब आप कैसे निकालोगे पर्टिकुलर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर? आओ जरा 3-4 करके देखते हैं। हमारे पास कंपाउंड है CuNH3 का होल 4 SO4, इस पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसके निकालनी है? Cu। तो जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है उस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर आप एक्स कंसीडर कर लीजिए, जिसकी भी निकालनी है उसकी आप क्या करिए, एक्स कंसीडर कर लीजिए। जब आप एक्स कंसीडर कर लेंगे, एक्स प्लस NH3 कितने? 4। NH3 की होती कितनी है? 0।
तो 4 इनटू 0 प्लस SO4 देख लीजिए माइनस 2 है, माइनस 2 कोई चार्ज तो लगा नहीं तो 0। सॉल्व करिए x की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, प्लस 2 आ गई। इसी टाइप से K4 FeCl का होल 6, तो K की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1, CN की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 1, X की क्या मानो, Fe क्या मानो, X, तो 4 प्लस 1 प्लस X प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 2। ठीक, अब जैसे और भी इसी तरह से निकालते हैं, FeCN का होल 6 नेगेटिव 3, Fe का निकालना है, तो Fe की निकालनी है, X कंसीडर कर लीजिए, CN की माइनस 1 होती है। अब जहां पे इक्वल पे 0 रखते थे वहां पे इक्वल पे 0 आप नहीं रखोगे, क्या रखोगे, माइनस 3, तो X is equal to माइनस 6 उधर गया तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या बचा, प्लस 3 बचा, ये ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और दो चार कंपाउंड के निकाल के दिखाते हैं आपको। अब जैसे हमारे पास आया एक और कंपाउंड है, जैसे हमारे पास आया CO CO EN का होल ट्वाइस CO2 और CO। अब आपको CO की यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, तो कंसीडर कर लीजिए X, इसकी तो 0 है, इसकी माइनस 1, इसकी माइनस 1, वही से पीछे से देख लो, प्लस X कंसीडर कर ली, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1, बाहर वाले को भी कंसीडर करो, देखिए टोटल सॉल्व करिए इसको, आपको क्या आ गई, आ गई ना। तो इसी टाइप से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है, K3 Cr OX कभी कभी ये इस फॉर्म में भी रहता है, CrOx पॉजिटिव 3 माइनस 3। ठीक, अब आप इसको भी कंसीडर करिए, K की प्लस 1, O की माइनस, OX की माइनस 2 और इसकी X, इसी केस में माइनस 2 X, एक ही बात है, तो X प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, सॉल्व कर लीजिए आप, माइनस 6 उधर गया क्या आ गई, प्लस 3। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो किसी का भी। अब जैसे हमारे पास आया NiCO का होल 4, Ni की निकाल, ठीक, अब यहां पे Ni की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, कैसे निकालोगे, तो Ni की X कंसीडर करो, CO की 0 होती है, तो X प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। आप क्या देख रहे हो कि लगातार बहुत ही इजी वे में हम ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। किसी भी कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन नंबर ले लीजिए और आपके सामने आसानी से वो ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक, और ले लेते हैं CO NS3 होल थ्राइस Cl2 और Br। ठीक, X कंसीडर कर लीजिए, प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 1
प्लस माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ भी सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस थ्री। तो इस टाइप से आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर कितने आसान तरीके से आ जा रही है। अब आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले रहे हो, अब आपको क्या है ना कि आगे का चैप्टर पढ़ना कितना आसान हो गया इन दो लेक्चर के बाद, और आगे के लेक्चर के लिए आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, तो पीछे वाला भी लेक्चर देखिए और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो लेक्चर इनिशियली जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों आपको जुड़े रहना पूरे साल हमारे साथ, ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ यही हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी।